उलाड़ा के साथ स्प्रे के लिए अवांसर देते हैं, क्योंकि यहाँ से इसके बाद बारिश में क्योंकि बारिश आनी शुरू हो जाएगी धीमी धीमी, तो उसमें पान पत्ता है ना वो पूरा चिपक जाता है और वो एक अलग सी बुरशी आती है, फंगस आती है, तो उस फंगस के लिए अवांसर अच्छे से काम करेगा। अभी ये बुरशी आपको नज़र आ रही है, ये जो प्लांट के पत्तों पे दिख रही है, इस बुरशी को कवर करने के लिए अवांसर उसके साथ अभी एफिड भी दिखेंगे आपको। जैसे अभी इसमें एफिड आपको दिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये माइनर माइनर बहुत सारे हैं, ये पत्ता निकाल लेते हैं इसको अगर एक पेपर पे खट करेंगे ना तो अबर अबर आएगा, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा। हाँ, तो ये एफिड्स वाइटला इस सबको कंट्रोल करने के लिए हम उलाला, बुरशी के लिए अवांसर, और अभी ये जो नई पाती आने वाली है तो इस पाती को पकड़ के रखने के लिए और पाती को स्ट्रांग लाने के लिए ऑर्गेनिक्सा ये तीन मिला के दे देंगे, तो ये प्लांट अल्टीमेटली ये प्लांट ठीक हो जाएगा और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, कुछ ऑर्गेनिक्सा देने से बॉल वेट में भी फर्क पड़ सकता है? बॉल वेट में फर्क पड़ सकता है। उसके बाद कुछ बॉल्स होते हैं जो न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो फूटते नहीं, वो खुलते नहीं, वो वैसे ही बंद रहते और ड्रॉप हो जाते हैं। बराबर, ये जो लॉसेस हो रहा है फार्मर्स का लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा हो रहा है, बॉल वो निकल नहीं पाता उससे, कॉटन बस नहीं होता है, बस नहीं होता न्यूट्रिशन कम होने की वजह से, तो वो पूरा न्यूट्रिशन नीचे से सॉइल से लेके प्लांट को ऊपर लेके जाके बॉल में डालने का काम गानेजा करेगा, वो जो पेन पॉइंट है फार्मर्स का वो कम हो जाएगा। राइट तो गानेजा हम रिकमेंड कर सकते हैं फार्मर को इसके लिए ना। हाँ राइट, और यही राइट टाइम है जब भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का पीरियड है, वो ही राइट टाइम, यही राइट टाइम है। इस स्टेज में क्या होता है कि प्लांट्स वेजिटेटिव ग्रोथ से स्विच करके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में आता है। राइट, तो सडन होने वाले जो चेंजेस होते हैं इसमें उसका न्यूट्रिशन कम पड़ने लगता है। राइट, तो ये न्यूट्रिशन अपटेक करने का काम गैनिक्सा थ्रू हो सकता है और आने वाले बॉल्स को ब्लश होने में हेल्प करेगा। राइट, थैंक यू, दिस वॉज समीर जी महिस्कर इन लक्ष्मी कॉटस्पिन लिमिटेड प्लॉट इन जालना इन द कॉटन गुरु प्रदर्शन खेत। समीर जी आप इसको मॉनिटर करते रहिए और आपके हिसाब से ये ग्रोथ कैसा है अभी, हाउ आर यू सेटिस्फाइड? अभी तो इस प्लांट्स का ग्रोथ, जब मैं स्टार्टिंग में आया था आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच ग्रोथ। ओके, मुझे लगा था कि प्लांट्स में इतनी ग्रोथ नहीं नज़र आएगी, लेकिन जिस तरह से अभी मैनेजमेंट चल रहा है, प्रॉपर स्प्रे ऑपरेशंस, इसकी वजह से अभी नंबर ऑफ ब्रांचेस कंपेरेटिवली बाकी प्लॉट्स के इससे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और ब्रांचेस में फ्रूटिंग ब्रांचेस ज़्यादा है और अच्छे बॉल्स भी आने शुरू हो चुके हैं। राइट, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी, एक्सेलेंट ग्रोथ है, और आगे जब प्रॉपर स्प्रेइंग का भी मैनेजमेंट हो जाएगा तो इंसेक्ट और फंगस इन दोनों से छुटकारा पाके प्लांट्स हमारे अच्छा यील्ड देने के लिए रेडी हो जाएंगे। राइट, ये अभी डिजीज मैनेजमेंट का समय है। हाँ, अभी डिजीज मैनेजमेंट का समय है, डिसीज और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का समय है। राइट।